गई है, ये लड़की आ चुकी है, इधर आ। हाँ तो ये मेरी रूममेट है मुस्कान। और इसी का ही था वो सुंदर सा रूम जो आप देख रहे थे पर्दे में से थोड़ा सा, तो वो अब हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। अब मालकिन आ चुकी है अपने रूम की। हाँ तो दोबारा से बाहर से आएंगे हम, अच्छा लगेगा बाहर से आएंगे। मैं बाहर से आती हूँ, गेट खोलना फिर हमारा वेलकम करना, ठीक है? मुझे की शादी भी चाहिए। नहीं नहीं मैं पहले बाहर देख लेता हूँ, कोई है तो नहीं, कोई नहीं है, ठीक है बंद कर दे गेट बंद। हाँ तो ये है अपना रूम 12 नंबर और अब इसके अंदर हम जाएंगे। आ जाओ मेरे अंदर में, हटो हटो साइड में। हाँ पूछ क्यों रही थी, जवान नहीं था तुम। चलो ठीक है, तो ये हमारा रूम है, इसमें ये सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन हाँ, जिसमें हम नाच वाच लेते हैं। सबने सोचा था पर हम नाचे तो नहीं अभी तक, पड़े रहते सारे टाइम। हाँ हम ऐसे ही पता नहीं क्या टाइम वेस्ट करते रहते हैं पूरे टाइम। मैं तो पढ़ाई करता हूँ। हाँ बस एक ही दिन हुआ तुझे पढ़ते, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। 3 दिन से पढ़ रहा हूँ मैं, 3 दिन हो गए मुझे। नहीं 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 चलो ठीक है, अब आपको मैं मुस्कान का रूम दिखाती हूँ। तो ये अब हम मुस्कान के रूम में आ चुके हैं, ये थोड़ा सा गंदा है मेरा रूम अभी फिलहाल। हाँ तो ये इसके रूम में ये प्यारा सा पर्दा लगा रखा है इसने, जो कैसे दिखाऊं, यहाँ से दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता है जो ये हाँ ये है, इसने ये प्यारा सा पर्दा लगा रखा है और ये इसने उल्टा लगा रखा है, और ये इतनी आलसी है कि इसको सीधा भी नहीं कर सकती, इससे पता चल रहा है हम कितने आलसी है। तो अब हम मुस्कान के रूम में आ चुके हैं, और ये वाला मुस्कान का ये बेड है, और ये कॉपी इसने अभी अभी खोली है आपको दिखाने के लिए कि ये पढ़ रही है। हाँ तो एक इसने ये दीवार पे प्यारी सी पेंटिंग बना रखी है। आप खुद इंट्रोड्यूस करें अपना रूम, बताइए क्या कराई है आपने अपने ये। वॉल आर्ट बनाया मैंने, इसने पेंटिंग दी, इसने पेपर आर्ट दिया है, और थोड़ा बहुत ताकि बस रूम का माहौल बना रहे। मैं ये आपको कैमरा, ये कैमरा उल्टा नहीं होता, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। और ये कोने में क्या चिपका रखे हैं, ये ईंटें और थोड़ा मोटिवेशन इन पे मैंने लिख रखा है। कभी आप पहले तो अपना पंखा बंद करिए, हमारी जनता को सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज़ ढंग से। हाँ एक तो ये ब्लॉगर्स, अरे अभी हम ब्लॉगर बने नहीं है, अभी तो ये हमारा फर्स्ट ही ट्राई है। हाँ तो और ये इसने यहाँ पर कैमरा एंगल बताओ, सेट नहीं करना रहा, इसने यहाँ पर ये अच्छा सा कुछ बना रखा है। और ये ऊपर कचरा नहीं चिपका रखा है। ये अच्छी सी डिजाइन है, ये मुस्कान बताइए क्या है ये, पेड़ जैसा लुक देने की कोशिश की गई है फ्रेम को। अच्छा अच्छा इस साइड आती हूँ, मेरे साथ रहेगी। हाँ यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, नीचे का टेबल इग्नोर कर देना प्लीज, उस पर बहुत कचरा है। आपको अच्छे से दिखाया जाएगा कि MBBS कर रहा है जो बच्चा, उसकी टेबल कैसी होती है। ये स्टडी टेबल है, ये इसमें स्टडी नहीं होती है, पर ये किचन टेबल है यार। नहीं नहीं ये हमको दी तो कॉलेज वालों ने स्टडी टेबल ही थी, पर ये इसमें इसने खाने पीने की सारी चीजें रख रखी है। ये रहा स्टडी टेबल, ये भी स्टडी टेबल नहीं है, ये भी स्टोरेज टेबल है जिसपे किताबें रख के अंदर घुसा दी जाती है बस। और इस पे भी मैंने नॉवेल्स रख रखी है, पता नहीं कितनी सारी। ये किताबें पढ़ते रहता है, ये सारी नॉवेल्स हैं। हाँ तो इतना ही है मेरा कमरा अभी। मुस्कान ने तो साथ सजा रखा है कमरा, अभी अब तक अपन ने सजाया नहीं है, तो अभी इग्नोर कर देना हमारा वाला रूम। अभी अपन सजाएंगे, मिलके सजाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? हाँ उसका अलग ब्लॉग बनाएंगे। हाँ अभी मुझे आलस आ रहा है, तो कम से कम ब्लॉगिंग के चक्कर में वो सजी जाएगा। है ना। और अभी इस रूम की भी डेकोरेशन पूरी नहीं है, वो होएगी अभी थोड़ी। और क्या बाकी रह गया? लाइट्स। अच्छा 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 लाइट्स लगेंगी,
लाइट्स और लगेंगी और वहाँ पे भी डिजाइन बनेंगे। वो कभी तो बनेंगे, क्या पता एक साल से पहले बन जाए। किधर? यहाँ इस खिड़कियों पे? हाँ। अच्छा, हाँ तो जब भी बनेगी मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। ठीक है। और ये मुस्कान की छोटी सी बाल्टी है जिसको ये लेके ले जाती है, छोटी सी बाल्टी काट दे, कट कर देंगे। ठीक है, इसको कट कर। और इतना ही है रूम, और इस रूम का टूर खत्म हो चुका है क्योंकि ये इतना ही था। इसको भी हमने बहुत फैला फैला के बताया, ये पर्दा, ये पेंटिंग, जो कि ये और ये मुस्कान की अलमारी है, इसको खोलना मत क्योंकि वो बहुत दिख रही है। क्या दिख रही है? वो बहुत बिखरी है। अच्छा, बिखरी है। हाँ, तो ये अलमीरा है मुस्कान की, जिसके अंदर क्या है ये सीक्रेट है, ये आपको जानना है तो आप कमेंट कर रहे। तब तक मुस्कान इसको साफ कर लेगी, है ना? हाँ ठीक है। तो और क्या बताऊँ, और क्या बताऊँ, पता और क्या बताते हैं, बस व्लॉग में इतना ही बताते हैं। ठीक है, तो अब मुस्कान का रूम इतना ही है, अब अपन अपने रूम में चलते हैं दूसरी बार। और तो इसमें से डेली लाइफ की चीजें बताना, इसको बंद कर दे। नहीं, क्या पता कुछ मजेदार हो जाए।